हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एमएम बल्डोदिया, सीनियर बॉटनी फैकल्टी सीएलसी। आज नीट यूजी 2019 का जो पेपर हुआ वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बायोलॉजी का जो पोर्शन था कोड S646-135 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। इसमें से बॉटनी का कुछ पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी। सो इट इज़ द बेसिकली फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। इट इज़ द कन्वर्जन मेथड। तो जो फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं, एक बात ध्यान रखने की यहाँ ये है कि जो परसिविंग ऑर्गन होता है प्लांट में वो डेफिनेटली लीव्स ही होंगे, चाहे वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो। तो फ्लोरल फॉर्मेशन के लिए कभी भी लीव्स के अलावा कोई दूसरा पार्ट परसिविंग ऑर्गन नहीं होता। सो द आंसर विल बी लीव्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास है 49, इकोलॉजी से क्वेश्चन ये है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखिए इन्वर्टेड और अपराइट फॉर्म के होंगे। यहाँ बायोमास के पिरामिड दिए गए हैं, यहाँ इसके अलावा नंबर का पिरामिड और एनर्जी का पिरामिड हमें दिया गया है। आप जानते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कभी भी इन्वर्टेड वो नहीं होता है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड अपराइट होगा। बायोमास का पिरामिड सी में या एक्वेटिक बॉडी में आप ये जानते हैं वो इन्वर्टेड होगा, बिकॉज द फाइटोप्लैंकटन्स आर द प्रोड्यूसर्स और ऑलवेज वो सपोर्ट करते हैं लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म को। सो द आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट, ये अगला क्वेश्चन रेस्पायरेशन से है, प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें रेस्पायरेटरी क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। देखिए जो रेस्पायरेटरी क्वेश्चन है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सीओ टू एंड ओ टू, ओ टू सीओ टू रेशियो में रेस्पायरेशन में डिस्कस करना होता है। तो सीओ टू कितना यहाँ बाहर आया, रिलीज हुआ, और ओ टू कितना कंज्यूम हुआ, द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज एग्जैक्टली। तो जो हमें दिया गया है एनसीईआरटी ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है, आप कैलकुलेटिव मेथड से जाएं तो एग्जैक्टली 0.7 विल बी द रेस्पिरेटरी कॉन्स्टेंट एंड आरक्यू जो होगा फोर्थ आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्लीज, अगला हमारे बीच क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो यहाँ सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी का मिक्स थोड़ा किया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स प्लांट फिजियोलॉजी से हैं। जैसे हमें दिया गया इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोलेटेड विद द इनर फोल्डिंग्स, तो आप ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये इनर फोल्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको पूछा गया मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, आप ये जानते हैं माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डीएसडीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम आर ऑल्सो देयर। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू द मोनोमर्स, आउटर मेम्ब्रेन आप ये भी जानते हैं इनर मेम्ब्रेन के कंपैरेटिवली मोर परमिएबल होती है। और इसके बाद आपको लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, जो बहुत ही सिंपल एस्पेक्ट है हमारे लिए। हम ये जानते हैं ईटीएस से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ईटीएस से रिलेटेड एंजाइम्स जो होंगे वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर प्रेजेंट होंगे, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगला क्वेश्चन आपके पास एनाटॉमी से है, एनाटॉमी जाइलम कहा गया है, एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी दोनों को कनेक्ट किया गया है। जाइलम का ट्रांसलोकेशन सीक्वेंस आपसे पूछा गया है और साथ में मटेरियल पूछा गया है, जाइलम शेप क्या होगा। तो आप ये जानते हैं अपवर्ड मोमेंट में जाइलम वाटर का कंडक्शन करवाता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, अलॉन्ग विद वाटर देयर इज ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मिनरल्स, सो दिस विल बी द ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम शेप। तो जाइलम शेप का कंटेंट क्या होगा, देखिए वाटर और मिनरल परफेक्टली आप जानते हैं इसका कंटेंट होता है मेन कंटेंट, लेकिन बाकी के तीन ऑप्शन को अगर आप गौर से देखें तो सब में ओनली यहां मार्क किया गया है, जो हमें रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि हम सेकंड के अलावा कोई आंसर चूज नहीं करें। ऑल टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, ऑल टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रोजन कंटेंट लिखा गया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेंट एमाइड्स विल बी देयर, जैसे आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इसको मेंशन किया गया है, एमाइड्स जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट होते हैं, सो करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट प्लीज, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे से पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले कहा गया कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्जोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली। ये आप जानते हैं कॉनिडिया का फॉर्मेशन एक्जोजिनस ही होता है और जो एस्कोस्पोर्स है उसका फॉर्मेशन एंडोजिनसली ही होता है। यीस्ट के बारे में लिखा है, यीस्ट हैव द फिलामेंटस बॉडी विद द लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, यीस्ट यूनिसेलुलर फंजाई फॉर्म है, तो आप इसमें हाइफी कह नहीं सकते, फिलामेंटस लॉन्ग थ्रेड, तो यही ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है सेकंड। थर्ड, मॉरेल्स सफेल्स एडिबल हैं, डेलिशियस हैं, बिल्कुल ठीक बात लिखी है, क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मेनी एल्किलॉइड्स एंड एलएचडी, सो द करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे से पूछा गया था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आपसे जो डिस्कस किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावरिंग प्लांट्स में डेवलपमेंटल प्रोसेस है उसमें कौन सा इनमें से नहीं होगा या इनकरेक्ट है। तो देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की बात यहाँ की जा रही है, ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसको मैं ड्रा कर रहा हूँ, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल ये है। फाइनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो एग सेल है वो 2N जाइगोट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो सेंट्रल सेल है ये 3N प्लॉयडी शो करती है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। जितने सारे ऑप्शन हमें दिए गए हैं वो सारे आपको इसमें दिखाई देंगे। एक और बात मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, दिस ओव्यूल विल प्रेजेंट इन द ओवरी, सो साइमल्टेनियसली साथ साथ ये ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती रहेगी। जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइजेशन विल बी द फाइनल एंड लास्ट स्टिमुलस, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म, डेफिनेटली ये होगा। लेकिन सेकंड ऑप्शन को आप देखिए जिसमें लिखा है ओव्यूल डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल जो मेगास्पोरेंजियम है एम्ब्रियो सैक में डेवलप होना, एम्ब्रियो सैक जो स्ट्रक्चर होती है वो यहां फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है जो एन होता है। सो फर्टिलाइजेशन से पहले का ये स्ट्रक्चर है, इसको आप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कह सकते हैं। हमारे से पूछा गया है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के केस में इनकरेक्ट क्या है, सो द आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम जो है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, तो हम इसको डाइवर्सिटी से और इसके अलावा एनाटॉमी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लोएम जिम्नोस्पर्म का जो है वो सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल दोनों लैक करता है, कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, वहां सीव सेल्स की प्रेजेंस है आप जानते हैं, सो द आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट, ग्रास लीव्स एंड कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, हमारे से पूछा गया है कि जो मोनोकोट प्लांट है, ग्रासेज लिख के आपको दिया है, ग्रासेज में स्पेसिफिकेशन ये है, यहाँ श्रिंकिंग ऑफ एयर स्पेस इन स्पॉन्जी मीजोफिल। तो अगर आप लीफ की एनाटॉमी देखें जिन मोनोकोट ग्रासेज की बात की गई है, आप ये जानते हैं कि इनमें मोनोकोट ग्रासेज या मोनोकोट लीव्स जो हैं वो एनाटॉमिकली सिमिलर होती हैं अबैक्सियल और एडैक्सियल सरफेस से। तो जैसे ही जो अपर सेल्स हैं ड्यूरिंग ड्राई कंडीशन और डेसिकेशन की या शुष्कन की स्थितियां जब आती हैं, तो ये सेल्स जो हैं वो इनवर्ड फोल्डिंग शो करती हैं, और इसको आप कह सकते हैं कि सेल अपने फ्लैसिड कंडीशन में आ गया है, और जो फ्लैसिड कंडीशन इसका होगा वो इसको अंदर की तरफ इनवर्ड मोमेंट पे ला देगा, जिसको हम कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। इट इज द वेल नोन क्वेश्चन, बहुत बार एनाटोमी में कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्लीज। थायोबैसिलस हमारे से पूछा गया है, थायोबैसिलस इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन, तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट फिजियोलॉजी में हमें दिया गया है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में जो नाइट्रेट बन जाता है, इस नाइट्रेट को फाइनली मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख के दिए गए हैं। आपके पास जो प्रोसेस है थायोबैसिलस के थ्रू परफॉर्म की जाने वाली, वो आप कह सकते हैं फिक्स्ड नाइट्रोजन कंटेंट को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, सो द आंसर विल बी द डी नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग्स। देखिए एनाटॉमी से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया गया है। एनाटॉमी में आपने ये पढ़ा है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, तो वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर की तरफ जो सेकेंडरी रिंग्स बनती हैं, मैं अगर एक रिंग की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं द सेकेंडरी रिंग और द एनुअल रिंग इज बेसिकली कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट की बात अगर हम कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट किस टाइप की सेल्स का होगा या किस टाइप की स्ट्रक्चर्स का होगा, सेल्स एग्जैक्टली हम यहाँ नहीं कहेंगे बिकॉज दिस इज अ फुल्ली डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स ऑन द वेरिएशन इन क्लाइमेट, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स हैं उन दोनों में कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो वेरिएबल होती है। एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ द टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में ये डोमिनेंटली अपियर होती हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है एनुअल रिंग्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर, जो जैसा मैं आपको बता रहा था एक साल में बनने वाला एक रिंग जो दो कॉन्सेंट्रिक या सहकेंद्रीय वलयों से बना होता है, तो आप कह सकते हैं टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इन एन एनुअल रिंग विल बी प्रेजेंट, तो ये सही होगा।
डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ द टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रेस्पेक्टिवली, ये भी डेफिनेटली सही है। जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी होती है, सो डार्क और लाइट पैचेज रिंग्स में बनते हैं। तो आपके पास यहाँ आंसर हो जाएगा एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्री ऑफ द टेम्परेट रीजन। सेकेंड, नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इट टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएपल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। और देखिए, फ्लावरिंग प्रोसेस जो है उसको स्टिमुलेट करवाने से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी द अप्लाइड आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएपल प्लांट्स थ्रू द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। तो प्रोडक्शन यील्ड एग्जैक्टली इसमें इंक्रीज करना है। जिब्रेलिन और एब्सेसिक एसिड का कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, साइटोकाइनिन और एब्सेसिक एसिड आपको दे रखा है। तो पहले दो ऑप्शन, जिब्रेलिन डेफिनेटली फ्लॉरिंग इंड्यूसिंग हार्मोन होता है, बट एब्सेसिक एसिड कॉम्बिनेशन में आपके साथ दिए गए हैं, सो आपके पास यहाँ आंसर बच जाता है ऑक्सिन एंड इथाइलिन। इथाइलिन इज बेसिकली द फ्लॉरिंग प्रमोशन और फ्लॉरिंग प्रमोटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पॉलीब्लेंड ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक हमें पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन इकोलॉजी से है, एनवायरमेंटल साइंस के चैप्टर में हमें बताया गया है, बेंगलोर के अहमद खान का एग्जाम्पल है, बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है। आप ये कह सकते हैं दिस पॉलीब्लेंड इज ए प्लास्टिक, द यूज ऑफ द प्लास्टिक टू मेक द रोड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड बनाने के लिए, रोड निर्माण के लिए आप ये कह सकते हैं पॉलीब्लेंड को यूज किया जाता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एक परफेक्ट इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन इकोलॉजी का आपके सामने है, आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। अगला आपके पास है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट। देखिए, ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट का कन्वर्जन, ये आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट रिएक्शन है, सबस्ट्रेट को फॉस्फोलाइलेट करवाया जा रहा है और हेक्सोकाइनेज इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, दिस हेक्सोकाइनेज एंजाइम विल कैटेलाइज दिस रिएक्शन। तो फर्स्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस इज कैटेलाइज्ड बाय, आपका आंसर होगा हेक्सोकाइनेज। फोर्थ, नेक्स्ट प्लीज। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द केरलॉस नीलियस। तो इसमें थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है। देखिए, एक में मैंजीफेरा इंडिका लिखा है, इनकम्प्लीट है। मैंजीफेरा इंडिका सेकेंड ऑप्शन में भी आपको लिख के दिया है, उसमें इंडिका लिखा है, इसमें इंडिका लिखा है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन में अगर आप आ जाएं, वहां केरलॉस लिख दिया, लीनियस, तो आप जानते हैं जीनस के नाम के साथ स्पीसीज का नाम और उसके बाद में साइंटिफिक जो अप्रोच, मतलब जिसने डिस्कवर किया या नॉमेनक्लेचर जिसने फाइनल किया, उसको हम मेंशन करते हैं साइंटिफिक नेम। सो द आंसर विल बी द फोर्थ, मैंजीफेरा इंडिका लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से है, द परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज नॉन एज। सो देखिए, परसिस्टेंट न्यूसिलस जो है, एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं इट इज द remains of Nucellus, मतलब Nucellus का बचा हुआ पार्ट। जब सीड का डेवलपमेंट होता है तो जो मेगास्पोरिंजियम या ओव्यूल की बॉडी Nucellus है, अगर वो बची रह जाती है, so the remains of the Nucellus will call as the perispermic seed। तो ये perisperm आपको दिया गया है परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ, NCERT ने मेंशन किया है, आंसर विल बी द फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास 95 है, प्लेसेंटेशन मॉर्फोलॉजी से कोरिलेट करता है। मॉर्फोलॉजी में प्लेसेंटेशन हमें दिया गया है, तो ओव्यूल आप जानते हैं जो मेगास्पोरिंजियम ओवरी की बॉल के साथ लगता है, जिसको प्लेसेंटेशन हम कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है, ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। तो आप इसको पैराइटल प्लेसेंटेशन कह सकते हैं, भित्तीय बीजांडान्यास आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो परफेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए, ये फिर इकोलॉजी से क्वेश्चन आपके बीच है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गौर करने वाली बात यह है, आपसे सुटेबल मेथड पूछा है, अगर मैं सुटेबल के अकॉर्डिंग जाऊं तो एक से ज्यादा ऑप्शन मेरे पास आंसर हो सकते हैं, बट अगर मैं मोस्ट सुटेबल को यहां डिटेक्ट करता हूं तो परफेक्ट आंसर आपके पास हो सकता है बरी द वेस्ट विद इन द रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। इसके अलावा उसके डिफरेंट स्पेस रिलीज मेथड भी होते हैं, शूट द वेस्ट इनटू द स्पेस, ये भी हो सकता है, बट मोस्ट सुटेबल हमें दिया गया है, इसलिए हमारा परफेक्ट आंसर होगा बरी द वेस्ट विद इन द रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सरफेस। सो द करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 98 ये हमें यहां दिया गया है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से। देखिए, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आपको एक मेथड पूछा है और क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें रखा गया है, सम प्लांट्स द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। तो यहां फीमेल गैमेटोफाइट में जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो आप ये जानते हैं एग सेल प्रेजेंट होती है,
सिनर्जिड्स की प्रेजेंस है, इसके अलावा पॉलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एंटीपोडल्स की प्रेजेंस होती है, दिस इज द ओव्यूल और मेगास्पोरिंजियम। तो ये जो मेगास्पोरिंजियम और ओव्यूल है, इसमें आपको कह रहा है कि जो फीमेल गैमेट है, एग्जैक्टली फीमेल गैमेट हम कंसिडर करते हैं एन एग सेल, इस एग सेल का कन्वर्जन आपसे कह रहा है डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन की ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। डेफिनेटली द फिनोमिनन विल बी द पार्थेनोजेनेसिस, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये है। लेकिन यहां जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, इसको आप एगेमोस्पर्मी मेथड कहते हैं। और जो एगेमोस्पर्मी है, इस एगेमोस्पर्मी के दो टाइप बेसिकली हम पढ़ते हैं, एक आपको गैमेटोफाइट पढ़ने को मिलता है, दूसरा हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट मेथड है। तो यहां एग सेल हैप्लोइड सेल कन्वर्जन में जा रही है, हम डेफिनेटली कह सकते हैं इट इज द गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी। तो गैमेटोफाइटिक एगेमोस्पर्मी जो कि पार्थेनोजेनेसिस का ही एक मेथड है। तो 98 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे बीच है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम द रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो देखिए सीएफसी के रिडक्शन से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं, मतलब उसके यूज को जो रिड्यूस किए जाने से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेल नोन है, आप सब जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो एग्जैक्टली एक तरीके से सबमिट था, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस किए जाने के लिए बहुत सारी कंट्रीज ने कंबाइंड एफर्ट्स किए। सो आंसर विल बी द थ्री। नेक्स्ट प्लीज। आपसे पूछा गया है कौन सा पेयर गैसेज का जो है वो मेनली ग्रीन हाउस गैसेज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। देखिए यहां एक देखने वाली बात यह है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन है, सेकंड ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन है, जो दोनों ग्रीन हाउस गैस होती हैं। थर्ड ओजोन लिखा है और उसके साथ साथ अमोनिया मेंशन किया गया है, और फोर्थ में आप देखें फिर से ऑक्सीजन मेंशन किया गया, नाइट्रोजन। तो इस बेसिस पे हम जा सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते हैं मेजर गैस होती है, मतलब क्वांटिटेटिवली मेजर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये हमारे से पूछा गया प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है अगला। प्लांट फिजियोलॉजी में हमें फूड ट्रांसलोकेशन या फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो टॉपिक दिया जाता है उसमें आप डायरेक्शन पढ़ते हैं। तो जो एरियल पार्ट है प्लांट का, लीव्स, इसमें फोटोन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ये करता है, और हम ये जानते हैं डाउनवर्ड मोमेंट में यहाँ से सिंक पार्ट में जो फूड मटीरियल है वो ट्रांसलोकेट होता है। तो बेसिकली सोर्स से सिंक तक का ट्रांसलोकेशन है। अब मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उसमें डाउनवर्ड मोमेंट दिया गया है। डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डेफिनेटली इट विल बी द डाउनवर्ड, बट इन सम केसेज और मेनी कंडीशंस इट विल बी द बाय डायरेक्शनल। जब प्लांट में स्प्रिंग सीजन के ठीक पहले लीव्स नहीं होती हैं, फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है, तो हम ये कह सकते हैं प्लांट अपने सिंक से भी फूड मटीरियल को यूटिलाइज करता है। मल्टी डायरेक्शनल होता तो आंसर होता, लेकिन यहां लिखा गया है नॉन मल्टी डायरेक्शनल, सो द परफेक्ट आंसर विल बी द बायोडायरेक्शनल। नेक्स्ट प्लीज। अगला क्वेश्चन फिर बायोडायवर्सिटी इकोलॉजी से है, क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। देखिए इन सीटू कंजर्वेशन जो दिया गया है, इन सीटू कंजर्वेशन आप जानते हैं इट विल बी द ऑन साइट कंजर्वेशन। और ऑन साइट कंजर्वेशन की बात अगर हम करें तो बॉटनिकल गार्डन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज लाकर उनको तैयार करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बेसिकली कंजर्वेशनल स्ट्रेटजी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप कुछ एंडेमिक भी रख सकते हैं, कुछ लोकल स्पीसीज भी रख सकते हैं, और कुछ स्पीसीज बाहर की भी हो सकती हैं। इसके अलावा सेक्रेड ग्रोव्स में आप कुछ फॉरेस्ट कह सकते हैं, लेक हो सकती है, रिवर हो सकती है, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेफिनेटली आप कहेंगे ऑन साइट कंजर्वेशन होगा। सो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर द ऑन साइट कंजर्वेशन, वाइल द फर्स्ट इज द ऑफ साइट कंजर्वेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121। देखिए बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें भी पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। एम्ब्रियोलॉजी से कुछ एक क्वेश्चंस इसमें जो पेपर में आए हैं उनमें सब में इसी तरीके के एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया है। आप जानते हैं फीमेल गैमेटोफाइट जो है एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एग एपरेटस की सेल्स हैं, सिनर्जिड और एग सेल्स, और इसके अलावा एंटीपोडल सेल्स और पोलर न्यूक्लियाई की प्रेजेंस है। आपसे पूछा गया है द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। तो हमें हमेशा ये ध्यान होना चाहिए कि जो माइक्रोपाइलर एंड है उस माइक्रोपाइलर एंड से ऑलवेज पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, और पॉलन ट्यूब की एंट्री जो माइक्रोपाइलर एंड से हो रही है वो सबसे पहले सिनर्जिड्स में एंटर करता है। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होते हैं जो पॉलन ट्यूब की एंट्री को एग्जैक्टली गाइड कर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड, सो पॉलन ट्यूब जो इधर से आ रही है, इस पॉलन ट्यूब का डिस्चार्ज जिसको पॉलन डिस्चार्ज हम कहेंगे वो ऑलवेज सिनर्जिड्स में होता है। आप
को पूछा गया कि डिस्चार्ज अगर पोलन ट्यूब में हुआ तो इसके बाद एग्जैक्टली इसका क्या होगा। तो डिस्चार्ज जो पोलन ट्यूब में हुआ, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर और अदर्स फ्यूज विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, सिनर्जिड सेल्स जो है वो डिजेनरेट हो जाती हैं। वन फ्यूज विद द एग एंड अदर फ्यूज विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई, डेफिनेटली एक एग सेल के साथ फ्यूज होगा और इसके साथ फ्यूज होगा तो हम ये कह सकते हैं एग सेल से यहां 2N स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको आप जायगोट कंसीडर करते हैं। जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दिस पोलर न्यूक्लियाई विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेगा, 2N कन्वर्ट हो जाएगा और एक मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये 3N होगी और इसको आप प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कंसीडर करेंगे। तो सेकंड आंसर हमें सही मिल गया है। आगे आप चेक कर लें, वन फ्यूज विद द एग एंड अदर्स डीजनरेट्स इन द सिनर्जिड, अगर अदर सिनर्जिड में ही डीजनरेट हो जाए, मतलब नेक्स्ट जो गैमेट है मेल गैमेट उसको सिनर्जिड में डीजनरेट कर दिया जाए तो जो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में उसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, मतलब जो इम्प्लांट्स का स्पेसिफिकेशन है। सो द परफेक्ट आंसर विल बी द सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज पूछा है बायोडाइवर्सिटी लॉस का एक तरीके से। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दें, मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, सेम ऑप्शंस के साथ पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा इनमें चेंज किया गया है। आप अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेजर रीजन ढूंढना चाहें, देखना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन से डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन बाहर से आएगा, एक्जोटिक होगा, वो थ्रेट करता है, बट द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द मेजर कोज, लार्ज स्केल पे ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। हैबिटेट लॉस होगा या हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन होगा तो लार्ज स्केल की बायोडाइवर्सिटी एक साथ आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट इज द मेजर रीजन और मेन रीजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस। सो द परफेक्ट आंसर विल बी द 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इकोलॉजी से आपके सामने है जिसमें बायोडाइवर्सिटी का जो अर्थ समिट है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। आप जानते हैं इट इज द वेल नोन एस्पेक्ट, द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में सबसे पहला जो इंटरनेशनल एफर्ट किया गया वो अर्थ समिट था, जिसको आप जानते हैं क्यों किया गया था। इसमें देखिए आपसे कहा गया टू असेस द थ्रेट पोज्ड इन द नेटिव स्पीसीज, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की जो नेटिव स्पीसीज है क्या उनको बचाने के लिए ऐसा किया गया। दूसरा आपसे कहा गया कि इमीडिएट स्टेप लिया गया सीएफसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं है, टू रिड्यूस द CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, जैसा कि अभी मैं आपको कह रहा था बायोडाइवर्सिटी से लिया गया है। तो एग्जैक्टली इट वाज द कन्वेंशन टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, बायोडाइवर्सिटी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल एफर्ट ये था जो ब्राजील में सबसे पहले आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन हमसे कॉलम मैच करवाए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 130। इसमें देखो बहुत बेसिक एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, सेप्रोफाइट आप जानते हैं डीकम्पोजिंग एस्पेक्ट से हम कोरिलेट इसको कर सकते हैं, तो जो ए हमारे पास है इस ए को आप कह सकते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर। पैरासाइट्स की अगर हम बात करें, बी आपके पास है तो आप जानते हैं ऑन और इन ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, तो लिखा गया लिविंग ऑन द लिविंग प्लांट्स और द एनिमल्स, तो थर्ड इसमें आप मैच करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास लाइकेन्स दिया गया है, आप जानते हैं लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो ये जो सी है इसको आप मैच करवा सकते हैं फोर्थ से। इसके बाद डी जो माइकोराइजा आपको दिया गया है, इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द प्लांट रूट्स, सो डी जो है उसके साथ आप फर्स्ट को मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये पेयर देख लें, जो ऑप्शन होगा ए में परफेक्टली सेकंड है और बी में थर्ड है, तो बी का जो थर्ड है वो आप कह सकते हैं सेकंड आंसर इसका परफेक्ट आंसर होगा, सेकंड इज द मैच्ड एस्पेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है, पिछले ही क्वेश्चन में भी आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, माइकोराइजा एक स्टेटमेंट दिया गया और उसी से कोरिलेट करता है और ये भी अपने आप में स्पेसिफिकेशन है। देखिए आपको पाइनस सीड दिया गया और पाइनस सीड का एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इस क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है कि पाइनस सीड फंगल एसोसिएशन के बिना जर्मिनेट नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो जिम्नोस्पर्म की हैबिटेट है मैक्सिमम माइकोराइजल एसोसिएशन उन्हीं में प्रेजेंट होता है, या पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इट इज वेरी हार्ड सीड कोट। अगर सीड कोट हार्ड लेके हम बात करें तो ये तो एक तरीके से डॉर्मेंट फेज भी उसका हो सकता है, डॉर्मेंसी भी हो सकती है, लंबा फेज हो सकता है, प्लांट्स में वेरिएबल डॉर्मेंट फेज होते हैं। सीड कंटेंट द इनहिबिटर्स, बेसिकली हो सकते हैं इनहिबिटर्स, लेकिन इसका फंगल एसोसिएशन से रिलेशन नहीं है। दिस फंगल एसोसिएशन विल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ये इंक्रीज करेगा। फिर कह रहा है एम्ब्रियो इमैच्योर, जब एम्ब्रियो इमैच्योर होने की बात कर रहा है तो जर्मिनेशन को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए हमें। लास्ट में आपके पास लिखा है इट इज द ऑब्लिगेट एसोसिएशन, तो मैं जैसा अभी बोल रहा था ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन है पाइनस सीड और फंजाई का, जिसको माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। सो द परफेक्ट आंसर विल बी द 4th। नेक्स्ट प्लीज।
अगला क्वेश्चन आपके पास है 135, जिसमें इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूछा गया है रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। देखिए ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो प्लांट की है उसमें लैंडमार्क आस्पेक्ट था। प्लांट में जहां तक आप देखें एल्गी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बेसिकली एक्सटर्नली होती थी, ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ और टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिटेट के प्रीकर्सर फॉर्म सामने आए। तो टेरिडोफाइट्स को हम आप जानते हैं कह सकते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिटेट, इसको सीड हैबिटेट का प्रीकर्सर कहा जाता है। हालांकि यहां सीड नहीं बने लेकिन सीड हैबिटेट का प्रीकर्सर कहे जाने के पीछे यही है कि जो स्पोरोफाइट था पेरेंट स्पोरोफाइट उस पर रिटेन कर रहा था, बाकी की स्ट्रक्चर्स यहां कोरिलेट नहीं करती। इनके ठीक बाद जिम्नोस्पर्म्स में सीड बनने लगे। लीवरवर्ट्स की और मॉसेज की बात अगर आप करें तो वो टेरिडोफाइट के पहले के हैं। सो द परफेक्ट आंसर विल बी द फर्स्ट 135। सो मैंने आपके साथ प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, इन टॉपिक्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगले मेरे जो साथी हैं वो आपके साथ बाकी के जो बॉटनी के टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सर्वेश कुमार यादव और मैं CLC सीकर में बॉटनी फैकल्टी, सीनियर बॉटनी फैकल्टी के रूप में कार्य करता हूँ। आज अपन नीट 2019 का जो पेपर है बायोलॉजी का उसको सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें बॉटनी के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 53, दैट इज द कोड S6 कोड का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है। बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में अपन यूज करते हैं बेसिलस थुरिंजियंसिस, बैक्यूलो वायरस एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज ए फ्री लिविंग फंजाई, नॉन पैथोजेनिक फंजाई, दैट इज एफिशियंटली यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द प्लांट बोर्न डिजीजेस। तो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ग्रोविंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम। ये क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक में जो अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को अगर आपको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है तो आपको एक लार्ज वेसल की रिक्वायरमेंट होती है। बायोरिएक्टर इज ए लार्ज वेसल जिसमें अपन फेवरेबल और एडेप्टिव एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा के माइक्रोब्स की ग्रोथ करवाते हैं। और जनरली बायोरिएक्टर को यूज करते हैं तो उसके अंदर अपन कंटिन्यूस कल्चर यूज करते हैं। कंटिन्यूस कल्चर मेंटेन द माइक्रोब्स इन मोस्ट एफिशियंटली एक्सपोनेंशियल फेज। आंसर विल बी बायो रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स रिफर टू, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्वेश्चन है फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। EST एंड सीक्वेंस एनोटेशन दो मेथडोलॉजी होती है। देर आर टू अप्रोचेज ड्यूरिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिनकी हेल्प से अपन जो DNA है उसमें जो जीन है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको लोकेट करते हैं। तो EST का जो यूज है मेन यूज EST टू आइडेंटिफाई द जीन इन द DNA। देखो नाम से पता लग रहा है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, DNA में वो पार्ट जिनका एक्सप्रेशन होता है उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनके लिए आपको करवाना पड़ेगा एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन करवाओगे तो DNA से बनेगा RNA, तो RNA को जब उसका सिंथेसिस होगा तो अपन उसको क्या करेंगे लोकेट करेंगे। तो EST का जो मेन जो पर्पज है वो है एक्सप्रेस जीन एक्सप्रेस एज द RNA टू आइडेंटिफाई द जीन्स इन DNA स्ट्रैंड। देन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सर ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट विद। बायोटेक का क्वेश्चन है। जो अपना DNA है जेनेटिक मटेरियल उसको आइसोलेट जब अपन करते हैं तो उसमें पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स यूज करते हैं लाइक प्रोटीएज, RNAs, लाइपेज। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं लाइसोजाइम, सेलुलेज एटसेट्रा। तो DNA को आइसोलेट करना है तो फाइनली जब आइसोलेशन ड्यूरिंग आइसोलेशन फाइनली आफ्टर द एंड ऑफ दिस प्रोसेस चिल्ड एथेनॉल को यूज किया जाता है। चिल्ड एथेनॉल इज यूज टू प्रेसिपिटेट द DNA मोर क्विकली। चिल्ड एथेनॉल एक्चुअली ये भी चार्ज्ड है, इसके ऊपर भी पोलरिटी है और DNA ऑल्सो चार्ज मॉलिक्यूल। जैसे उसको अपन यूज करेंगे तो जो DNA के साथ एक्स्ट्रा जो मॉलिक्यूल्स है जैसे साल्ट वगैरह अदर बायो मॉलिक्यूल्स उनको ये क्या करेगा सेपरेट करेगा। तो इसका जो मेन यूज है वो है बेटर प्रेसिपिटेशन, क्विक प्रेसिपिटेशन। तो आंसर विल बी चिल्ड एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको
सेलेक्ट करना है. लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ऑब्वियसली स्टेटमेंट इज करेक्ट, यू नी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. सेकेंड ऑप्शन, लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाई द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा गोल्जी बॉडी के थ्रू, जो ER है वो पैकेजिंग में हेल्प नहीं करेगी, इसने लिखा है कि इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लाइसोसोम के जो एंजाइम है उनका फॉर्मेशन करती है ER, बट फाइनली लाइसोसोम का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है गोल्जी बॉडी. तो ये डायरेक्ट जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम हैव न्यूमेरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, स्टेटमेंट इज करेक्ट. फोर्थ स्टेटमेंट, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ द लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक pH, ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट. ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. लाइसोसोम के पास काफ़ी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, दो आर एक्टिवेटेड द एसिडिक pH और लो pH, दैट इज 4 to 5. आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ सेल साइकिल. अपने सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में दो मेन फेजेज होती हैं, इंटरफेज एंड एम फेज. इंटरफेज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 सब फेजेज, G1, S एंड G2. तो जो पूरा सेल साइकिल उसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो होगा G1, S, G2 एंड M फेज. आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनीज सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग द सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय. याद करो, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इट मींस न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल फ्रॉम द सेल डिवीजन. ये जो स्टेटमेंट था वो दिया था रुडोल्फ बर्चो ने. सेल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि सेल्स का अराइवल कहाँ से होगा, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है रुडोल्फ बर्चो का. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉडर्न सेल थ्योरी. आंसर विल बी द थर्ड, रुडोल्फ बर्चो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटोक्सिन टू एक्टिवेट BT टॉक्सिन ऑफ द बेसिलस थुरिंजियंसिस इन द बॉलवर्म. आप जानते हो BT जो बैक्टीरिया है इसके पास एक जीन होती है, पर्टिकुलर जीन, दैट इज क्राई जीन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्राई जीन इज क्राई प्रोटीन. क्राई प्रोटीन ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इट इज ए टॉक्सिक प्रोटीन. क्राई प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है BT के अंदर, तो ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ये कन्वर्ट हो जाती है क्रिस्टल फॉर्म में, एंड क्रिस्टल फॉर्म में दैट इज इन इनसोल्यूबल फेज. इसके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है एल्कलाइन pH की. तो जैसे ही पेस्ट और इंसेक्ट की गट के अंदर ये एंटर होगी तो वहां पर pH है एल्कलाइन, एल्कलाइन pH में एक्टिवेट होकर क्या हो जाएगी, वो सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज हार्मफुल फॉर द इंसेक्ट. द आंसर इज एल्कलाइन pH ऑफ द गट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कैनावेलिन इज ए, कौन कैनावेलिन इज ए कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, और ये एग्जाम्पल है लैक्टिन का. लैक्टिन आर द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, और उनका जो मेन पर्पज है, उनका जो मेन फंक्शन है वो होता है रिकॉग्निशन में. ये जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक रिसेप्टर्स, उनकी जो शुगर मोइटीज होती है उनके साथ करती है इंट्रैक्शन, और इंट्रैक्शन करके ये रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी. तो आंसर विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल देयर बी नो चेंज इन द रिगार्डिंग फ्रेम, सॉरी रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग mRNA. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सिंपल थोड़ा कॉन्सेप्ट चले समझे इसको. ये mRNA की स्ट्रेंथ दे रखी है 5' to 3' डायरेक्शन. आपको पता है जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कंटिग्यूस फैशन में होते हैं. अगर जेनेटिक कोड की बात करें तो उनको अपन रीड करते हैं ट्रिपलेट फॉर्म में, AAC AGC, लाइक दैट. तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये है टॉपिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. सिंपल सी बात है, अगर आपने इस रीडिंग फ्रेम में 1 or 2 बेस अगर एंटर करवा दिए और उनको अगर डिलीट कर दिया, तो आगे की जो चेन है, इस पॉइंट से आगे की जो चेन है वो पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द 1 or 2 बेसेज चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम दैट पॉइंट, बट इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 बेसेज और ए जेनेटिक कोड नेवर अल्टर द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम दैट पॉइंट. तो इसमें ऑब्वियसली सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है, आंसर सेकेंड है. इसमें ही 3 बेसेज हैं, दैट इज अ जेनेटिक कोड, उसको अगर आप इंटर करवाओगे तो नेक्स्ट जो फ्रेम उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट यहाँ पे क्या है, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी 2 हो गए, ये है इंसर्शन ऑफ जी 1 हो गया. तो इंसर्शन डिलीशन अगर आप 1 or 2 का करवाओगे तो ऑब्वियसली चेन के अंदर चेंज आएगा. तो आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द गोल्डन राइस. सिंपल क्वेश्चन है, बायोटेक का क्वेश्चन है.
ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, इट इज ड्रॉट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग द एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसका इससे कोई रेलिवेंसी नहीं है। इट हैज येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ ए जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिमेटिव वराइटी ऑफ द राइस। स्टेटमेंट ये भी इसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं है। इट इज ए विटामिन ए एन रिच विद ए जीन फ्रॉम द डैफोडिल। एक्चुअल में जो गोल्डन राइस है ये होता है ट्रांसजेनिक प्लांट, और जो ट्रांसजेनिक प्लांट है उनके लिए आपको कोई जीन इंसर्ट करवानी पड़ती है, और इसमें जो जीन का सोर्स है वो होता है डैफोडिल प्लांट, एंड गोल्डन राइस इज विटामिन ए रिच। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ द बायो कंट्रोल एजेंट। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। द एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, ट्राइकोडर्मा, बेसिलस थुरिंजियंसिस एंड बैक्यूलो वायरस। आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आर रिफर्ड टू एज। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, ये है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, दैट इज द लॉन्ग आर्म, दैट इज द शॉर्टर आर्म। जो लॉन्ग और शॉर्ट आर्म है उनको अपन स्पेसिफिकली टर्म्स यूज करते हैं। जो शॉर्टर आर्म है वो होती है प्यू पी, एंड द लॉन्गर आर्म इज क्यू। तो आंसर विल बी शॉर्टर, शॉर्टर विल बी पी एंड लॉन्गर क्यू। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पी एंड क्यू आर्म रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इन द वायरस इज द प्रोटीन कोट, दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, बिकॉज वायरस का जो इन्फेक्शियस जो पार्ट होता है वो होता है उसका न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। प्रियोन कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, स्टेटमेंट ये है करेक्ट। वायरॉइड्स लैक ए प्रोटीन कोट, स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरा साइट, स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल इन जी नोड फेज, यह सेल सेल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है ड्यूरिंग द सेल साइकिल द सीक्वेंस ऑफ फेजेज G1, S, G2 एंड M फेज, दैट इज द फेजेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल को अगर डिवाइड नहीं होना होता है तो वो क्या करती है, सेल साइकिल से एग्जिट हो जाती है। एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है, ओकेजनली सेल एग्जिट द G1 फेज एंड एंटर इनटू द क्यूसेंट फेज और द रेस्टिंग फेज। आंसर विल बी थर्ड, एग्जिट द सेल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ऑपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो ये लैक ऑपेरॉन की जो स्ट्रक्चर उसको अपन मेंशन करते हैं पहले। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट स्ट्रक्चरल जीन्स जेड वाई एंड ए, इट कंटेन ऑल्सो लैक आई जीन प्रमोटर। एक्चुअली इसने बात की है एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की, तो जो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ जेड जीन बीटा गैलेक्टो साइडेज, एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ वाई परमिएज एंड एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांस एसिटाइलेज एंड एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ लैक आई जीन इज रीप्रेसर प्रोटीन। इसके अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आई जीन की बात की, आई जीन रिप्रेसर, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज एंड वाई जीन परमिएज। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर, बायोमोलिकुलर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ प्यूरिन्स, ये आपको पता है जो प्यूरिन का एग्जाम्पल है वो है एडिनिन एंड गुआनिन। तो इसने बात की है प्यूरिन की, फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो जो एडिनिन और गुआनिन है वो दोनों डीएनए में भी होते हैं और आरएनए में होते हैं। एडिनिन गुआनिन आल्सो फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो आंसर विल बी एडिनिन एंड गुआनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
तो आपको आरई जो है रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियोसिस के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट को रीड करना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन देखें, द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन एट स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आरई का जो फंक्शन है वो यही है, आरई जो है बैकबोन को ब्रेक करता है, ऑब्वियसली कैटलाइज द डाइजेशन ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन, द एंजाइम रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है, इनके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेज होते हैं दो आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। थर्ड ऑप्शन, द एंजाइम कट डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजिशन विद इन द डीएनए, तो जो आरई है उसके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस हैं स्पेसिफिक होते हैं और उन्हीं पर्टिकुलर पोजिशन पर क्या करेगा वो डाइजेस्ट करेगा। फोर्थ ऑप्शन, द एंजाइम बाइंड विद डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द टू स्ट्रैंड, यहाँ देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ओनली वन, याद रखना जो आरई होती है आरई होगा ऑलवेज कट द बोथ स्ट्रैंड्स एट द पर्टिकुलर साइट विद इन ए रिकॉग्निशन सीक्वेंस और आउटसाइड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो यहाँ क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जो ह्यूमन जीन है उसको प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करवा सकते हो, तो इट मीन्स अगर आपने ह्यूमन और यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करवाना है तो ऑब्वियसली आपको क्या बनाना है उसको, उसकी पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करना है, उसका प्रोडक्ट जो है उसकी जो प्रोटीन है उसको आइसोलेट करना है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? तो जेनेटिक कोड की जो नेचर होती है उसके अकॉर्डिंग बात करें जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल, चाहे बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें या यूकैरियोट की, लाइक एनिमल प्रोटीन, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जेनेटिक कोड जो होते हैं वो नियरली यूनिवर्सल है विद सम एक्सेप्शंस। तो जो मेन प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की नियरली यूनिवर्सल, इसी रीजन यही है कि आप यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में एक्सप्रेस करवा सकते हो, एंड आंसर विल बी द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ए, कोएंजाइम और मेटालाइन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये है बायोमोलिक्यूल का और बायोमोलिक्यूल में जो को फैक्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। एक्चुअल में छोटा सा कॉन्सेप्ट है होलो एंजाइम, होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं एपो एंजाइम एंड को फैक्टर्स, एंड देर आर थ्री टाइप्स ऑफ को फैक्टर्स, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को एंजाइम्स एंड मेटल आइंस। तो एपो एंजाइम के साथ अगर आपने कोई भी इस ग्रुप को बाइंड कर दिया तो उसको अपन बोलते हैं होलो एंजाइम। को फैक्टर्स आर वाइटल फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एपो एंजाइम इज द ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम, तो इसके अकॉर्डिंग देखो दूसरा ऑप्शन भी रीड, पहला ऑप्शन देखो कोएंजाइम ऑफ द मेटालाइन दैट टाइटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक्चुअल में प्रोस्थेटिक ग्रुप एक अलग ग्रुप है कोफैक्टर का, कोएंजाइम मेटालाइन जो है उसमें कोएंजाइम लूजली बाउंडेड होता है, इंपॉर्टेंट बात है, कोएंजाइम्स आर लूजली बाउंडेड और ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड विद द एंजाइम ओनली ड्यूरिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी, तो स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ए कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नॉट कॉल्ड एपो एंजाइम, उसको अपन नाम देंगे होलो एंजाइम, क्योंकि इसने क्लियर बोला है एक्टिविटी एंजाइम विद बाउंड विद प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को एपो एंजाइम के साथ बाइंड करोगे तो उसको टर्म कह देंगे अपन होलो एंजाइम, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट हो गए आपके रॉन्ग, आंसर विल बी ए एंड बी आर फॉल्स, आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमर्शियल ब्लड कोलेस्टेरॉल लोअरिंग एजेंट, ये जो क्वेश्चन है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से है। एक्चुअल में जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको आपको कम करना है, लोअर करना है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं स्टेटिन, स्टेटिन इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दैट इज द कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, तो आंसर विल बी
फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद द प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस. सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसको यूज करते हैं अपन कर्ड फॉर्मेशन में, सैक्रोमाइसिस सीरिविसी उसका जो यूज है वो है ब्रेड फॉर्मेशन में, एस्परजिलस नाइगर इज यूज टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई इज यूज टू प्रोड्यूस द एसिटिक एसिड. तो अकॉर्डिंग टू द कॉम्बिनेशन आंसर हो जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए. सिंपल क्वेश्चन है और आपको पता है जो सेल ऑर्गेनल की बात करें माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट कंटेन द डीएनए मॉलिक्यूल. तो इसमें देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाइसोसोम डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता, वो वैक्यूल लैक डीएनए मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर एनवलप बट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए मॉलिक्यूल. माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है लाइसोम, एब्सेंट है क्लोरोप्लास्ट, प्रेजेंट वैक्यूल एब्सेंट. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन पूछा है फॉलोइंग ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन द डीएनए मॉलिक्यूल, तो आंसर विल बी फर्स्ट लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स. नेक्स्ट. हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम ऋषिराज यादव, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी एट सीएलसी सीकर. 5 मई 2019 को जो पेपर हुआ है उसका कोड S6 को आज सॉल्व करने जा रहे हैं, जो क्लास 12th का कंप्लीट पोर्शन में डील करूँगा. क्वेश्चन नंबर 50, सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस. तो हमें आईयूडी के बारे में बताना है. तीन डिफरेंट टाइप की आईयूडीज होती हैं, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, सेकेंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी एंड थर्ड वन इज आयन रिलीजिंग आईयूडी. क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज जो हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टेरोन एंड एलएनजी लेवेनोजेस्टेरोन 20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. लिपे लूप नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, मल्टीलोड 375 इज आयन रिलीजिंग आईयूडी है, वॉल्ट्स एक बैरियर है, एलएनजी लेवेनोजेस्टेरोन 20 एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी. दोनों पेयर केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेस्टेट एंड एलएनजी 20 दीज आर द हार्मोन रिलीजिंग, देन करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जीन हैज टू एलील्स ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डोमिनेंट एलील कैपिटल ए इज 0.4 देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन. दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन एंड क्वेश्चन ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स. हार्डी विनबर्ग कहता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, पी प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए प्लस स्मॉल ए इज इक्वल टू 1. इफ दिस वैल्यू इज गिवन 0.4 देन स्मॉल ए इज इक्वल टू 0.6. क्वेश्चन में पूछा गया है कि होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है और होमोजाइगस रिसेसिव क्या है. तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा 0.4 का स्क्वायर, हेट्रोजाइगस होगा 2 कैपिटल ए स्मॉल ए, 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 मीन्स 0.48 एंड रिसेसिव होगा स्मॉल ए स्क्वायर मीन्स 0.6 इंटू 0.6 मीन्स 0.36. कैपिटल ए, कैपिटल ए 0.16, कैपिटल ए स्मॉल ए 0.48 एंड स्मॉल ए 0.36, देन द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल. क्लेमाइडियसिस इज ए क्यूरेबल डिजीज, गोनोरिया एसटीडी इज ए क्यूरेबल डिजीज, जेनाइटल वार्ट्स इज ए क्यूरेबल डिजीज बट जेनाइटल हर्पीस इज नॉट ए क्यूरेबल डिजीज, एचआईवी हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल हर्पीस ये तीनों डिजीज क्यूरेबल नहीं है. क्यों क्यूरेबल नहीं है कि इस केस में जेनाइटल हर्पीस में एचएसवी फर्स्ट एंड एचएसवी सेकेंड काम करता. ये जो वायरस है इसकी वेबी स्ट्रक्चर होती है, नेट फॉर्मेशन नेट की फॉर्म में पाया जाता है और ये डायरेक्टली नर्व के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे ही कोई इसको नर्व स्टिमुलस मिलता है दोबारा एक्टिवेशन कंडीशन में आ जाता है, देन द करेक्ट आंसर इज जेनाइटल हर्पीस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रेस्पॉन्सेज इज
रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट. किडनी ग्राफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स होती हैं रिजेक्शन के लिए टी हेल्पर. टी हेल्पर सेल हेल्प्स इन द सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स. देन द करेक्ट आंसर इज सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, नॉट द इन्फ्लेमेटरी इम्यून रेस्पॉन्स, ऑटोइम्यून रेस्पॉन्स एंड ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स. सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज ए प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी ब्रिज. आर ह्यूगो डी ब्रिज ने जो काम किया था वो इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था. सबसे पहले इसने बताया था कि जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट मीन्स दीज आर द डायरेक्शन लेस एंड रेंडमली कहीं पर भी हो सकता है, सिंगल स्टेप भी हो सकता है, मल्टी स्टेप म्यूटेशन भी हो सकता है. देन द करेक्ट आंसर इज रेंडम एंड डायरेक्शन लेस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटेटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द टाइफॉइड. टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी एंड द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द टाइफॉइड इज द विडाल टेस्ट. साल्मोनेला टाइफी एंड विडाल टेस्ट. देन करेक्ट आंसर इज सेकेंड. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट गायनेकोमेस्टिया एंड इट्स स्टेराइल नेचर. एडवर्ड सिंड्रोम इज ए ट्राइसोमिक कंडीशन, ऑटोसोमल ट्राइसोमिक कंडीशन. डाउन सिंड्रोम इज ऑटोसोमल ट्राइसोमिक कंडीशन. एडवर्ड में 18 की ट्राइसोमी पॉसिबल है, डाउन सिंड्रोम में 21 की ट्राइसोमी पॉसिबल है, टर्नर सिंड्रोम में 44X0, दिस इज ए मोनोसोमिक कंडीशन. इट मीन्स ओनली एक्स क्रोमोजोम इज देयर, वाई क्रोमोजोम इज नॉट देयर, मीन्स दीज आर द फेमिनाइन कैरेक्टर. लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मस्कुलाइन डेवलपमेंट एंड गायनेकोमेस्टिया. गायनेकोमेस्टिया मीन्स मेमोरी डेवलपमेंट इन मेल्स. देन द करेक्ट आंसर इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, 44XXY, जिसमें फीमेलनेस भी आएगा और मेलनेस भी आएगा. करेक्ट आंसर इज 4. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब इसमें दिया नहीं गया है कि किसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमें ह्यूमन बींग का मान के करना. इसके लिए मैं सेजाइटल सेक्शन देखना चाहूँगा. तो सेजाइटल सेक्शन में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड लेयर इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड मोस्ट लेयर इज ट्यूनिका वेस्कुलोस. ट्यूनिका वेस्कुलोस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया में इनफोल्डिंग होने से, इस तरीके से अंतर्वलन होने से टेस्टिकुलर सेप्टास फॉर्म होते हैं और ये टेस्टिकुलर सेप्टा इज टेस्टिस हैव 250 टेस्टिकुलर सेप्टा एंड ईच टेस्टिकुलर सेप्टा हैव 1, 2, 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स. सभी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आगे मिलकर एक माइन्यूट ट्यूबुलाई रेक्टाई फॉर्मेशन करते हैं और माइन्यूट ट्यूबुलाई रेक्टाई रेटे टेस्टिस का फॉर्मेशन करते हैं. दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, दिस वन इज द रेटे टेस्टिस. देन माइन्यूट ट्यूब्स आर देयर, दीज आर द वास इफरेंसिया एंड दिस स्ट्रक्चर इज एपिडिडाइमस. एंड फाइनली द कोडा एपिडिडाइमस पार्ट have a less coil tube known as vas deferens. Vas deferens आगे चलकर seminal vesicles के पास मिलकर आगे ejaculatory duct या स्कलन नली का formation करती है और finally urinogenital duct urethra में open होती है और finally urethral meatus से बाहर. तो question में पूछा गया है which of the following is the correct sequence of the transport of sperm. Sperm का formation यहाँ पर हुआ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, उसके बाद कहाँ पर गया रेटे टेस्टिस में, उसके बाद कहाँ पर गया वास डिफरेंसिया में, उसके बाद कहाँ पर गया एपिडाइमस में, उसके बाद कहाँ गया वास डिफरेंस, देन इजेकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रा मीटस. देन द करेक्ट आंसर इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल, रेटे टेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, इजेकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिथ्रल मीटस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट ड्रग कॉल्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज. कुछ ड्रग्स हैं फॉर एग्जाम्पल स्मैक वगैरह, दीज आर द एसिटाइलेशन ऑफ ए मॉर्फिन. स्मैक वगैरह हैं जो डाई एसिटाइल फॉर्मेशन से बनती हैं, तो दीज करेक्ट ऑप्शन इज द एसिटाइल. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें असत्य कथन को बताना. फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है इसमें दे रखा है इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन इन एनी एनिमल. प्योर लाइन को डेवलप करने के लिए
बिल्कुल करेक्ट, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। थर्ड ऑप्शन, इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी। कोई भी इनब्रीडिंग अगर 4 to 6 जनरेशन तक कंटिन्यू रहेगा तो होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करेगा, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। सेकेंड ऑप्शन, इनब्रीडिंग हेल्प्स इन द एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड इलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन। एनसीईआरटी में ये दे रखा लेस डिजायरेबल जीन, विच इज सिमिलर वर्ड टू अनडिजायरेबल जीन। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। इनब्रीडिंग देखो सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है इलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और यहाँ पर दे रखा है इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रिसेसिव जीन, हार्मफुल को सेलेक्ट नहीं, इसको इलिमिनेट करता है, ये पॉइंट गलत हो गया। रिसेसिव जीन दैट रिड्यूस फर्टिलिटी, ये भी सही है बट प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस नहीं करता, इसको इंक्रीज करता है। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। इनकरेक्ट पूछा हमें, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द होमिनिड विद दियर करेक्ट ब्रेन साइज। तो हमें क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पर आंसर बताना। हमें यहां पर ऑप्शन दिए गए ए में होमो हैबिलिस, होमो नियंडरथेलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो हम इन चारों का यदि करेक्ट सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले आएगा होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस, देन होमो सेपियंस, देन होमो नियंडरथल। अब इसमें भी एक ट्रिकी क्वेश्चन ये जो पूछा गया है, इसमें तीन ऑप्शन डायरेक्ट एनसीईआरटी से है लेकिन चौथा ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग। 900 एनसीईआरटी की लाइन है, 650 to 800 एनसीईआरटी की लाइन है, 1400 to ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, 350 एनसीईआरटी में नहीं दे रहे। लेकिन हमें ये पता है होमो सेपियंस से ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होमो नियंडरथल की, और इसको मानते हम 300 to 1600। तो इसका एवरेज भी निकालेंगे तो 1316 2900 / 2, तो ये भी 1400 से ज़्यादा आएगी। इसलिए हमने होमो नियंडरथलिस को किससे मैच करवाना है, होमो नियंडरथलिस 1400, होमो सेपियंस 1350, होमो इरेक्टस 900 एंड होमो हैबिलिस। फर्स्ट ए को 3 से मैच करवाया, सेकंड को 4 से मैच करवाया, थर्ड को 1 से मैच करवाया, देन द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 102, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोजोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन वाज एक्सप्लेन्ड बाय। टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, उसमें कहा कि यदि कोई जीन वाई है, ड्रोसोफिला पर वाई जीन है एक्स क्रोमोजोम पर, और ये जीन डब्लू है और थर्ड जीन एम है, वाई रिप्रेजेंट येल्लो, डब्लू मीन्स वाइट एंड एम फॉर मिनिएचर। इसके बाद टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट आया, टीएच मॉर्गन का स्टूडेंट है अल्फ्रेड स्टूटिवेंट। इसने ये कहा कि यदि वाई और डब्लू के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है, फॉर एग्जाम्पल 1.3, और डब्लू और एम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 37.2 है, तो इस वाई और एम के बीच में उन्होंने डिस्टेंस देखी कि इनके बीच में लूज लिंकेज है, तो टोटल रिजल्टेंट जो डिस्टेंस आई 38.5। तो इन्होंने कहा कि डिस्टेंस कोई भी एक क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स कैसे लोकेटेड है, वाई और डब्लू कैसे लोकेटेड है, इनके बीच में टाइट लिंकेज है तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है, इसके बीच में लिंकेज लूज लिंकेज है तो इनके डिस्टेंस ज़्यादा है, इनके बीच में वेरी लूज लिंकेज है तो इनके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो टीएच मॉर्गन ने तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बताया और उसकी डिस्टेंस के बेसिस पर किस तरीके से एक्स क्रोमोजोम पर या किसी क्रोमोजोम पर जीन अरेंज है, ये उसी के स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूटिवेंट ने बताया। देन द करेक्ट आंसर इज अल्फ्रेड स्टूटिवेंट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोस्ट्रम द येलोविश फ्लूइड सिक्रेटेड बाई मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज वेरी इसेंशियल टू इम्यूनिटी टू द न्यू बोर्न इन्फेंट बिकॉज इट कॉन्टेंट्स। तो कोई भी ये जो कोलेस्ट्रम वर्ड है हिंदी में इसको खीस के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहले जो बेबी जो डेवलप होता है तो बेबी के इनिशियल डेज में न्यूट्रिशन देने के साथ साथ में इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो एक डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होती है और जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देन द करेक्ट आंसर इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक्स से पूछा गया क्वेश्चन है, एंटी राइनम स्नैपड्रैगन रेड फ्लोवर वाज क्रॉस्ड विद ए व्हाइट फ्लोवर। रेड क्लोवर मींस कैपिटल आर, कैपिटल आर।
क्रॉस कर रहा है व्हाइट फ्लावर से डब्ल्यू डब्ल्यू. नेक्स्ट दिया गया इन एफ वन जनरेशन पिंक फ्लावर वर ऑप्टेंड. तो मैंने इसको रेड नोट किया, इसको व्हाइट नोट किया और रिजल्टेंट में क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है. पिंक मीन्स आर और डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है. यदि रेड व्हाइट के ऊपर कंप्लीट डोमिनेंट होता तो रिजल्टेंट मेरे पास रेड मिलता. यदि व्हाइट कलर मिलता या रेड कलर मिलता, इन दोनों में से कोई एक मिलता तो मैं सोचता कि कोई ना कोई एक कंप्लीट डोमिनेंसी को शो कर. रेड भी नहीं आया, व्हाइट भी नहीं आया. इट मीन्स पिंक इज ए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रेड एंड व्हाइट. इट मीन्स दिस इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस. तो दिस इज एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. ये सही है. नेक्स्ट है पिंक फ्लावर इज एफ वन इज ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. बिल्कुल सही है. रेड इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस नहीं है तो इसका मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. रेड का कुछ कलर व्हाइट के अंदर फेड हो गया होगा तो पिंक आ गया होगा. इट मीन दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब रिजल्टेंट में कह रहा है रेशियो ऑफ एफ टू. ये हमारे पास पेरेंट जनरेशन है, ये हमारे पास एफ वन जनरेशन है, हमें एफ टू बनाना है. तो एफ टू रिजल्टेंट क्या आएगा, आर डब्ल्यू को आर डब्ल्यू से क्रॉस करवाएंगे. आर डब्ल्यू को आर डब्ल्यू से क्रॉस करवाएंगे तो आर आर रेड बनाएगा, आर डब्ल्यू पिंक बनाएगा, आर डब्ल्यू पिंक बनाएगा और डब्ल्यू डब्ल्यू व्हाइट बनाएगा. ये रेड बना रहा है, ये पिंक बना रहा है, ये पिंक बना रहा है, ये व्हाइट बना रहा है. तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर में से ये कितना बना, वन बाई फोर. पिंक कितना बना, टू बाई फोर. और व्हाइट कितना बना, वन बाई फोर. इट मीन्स फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सभी एक्सपेरिमेंट में अप्लाई हो रहा है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है ये कैपिटल आर है तो रिजल्टेंट में यदि हमें एफ वन बनाना है तो सबसे पहले इसको सेग्रीगेट होना पड़ेगा, एक सिंगल आर आना पड़ेगा. डब्ल्यू डब्ल्यू है तो यहाँ से केवल डब्ल्यू आना पड़ेगा. तो ये सेग्रीगेट नहीं होगा तब तक रिजल्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन पाए. मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इनकरेक्ट पे ध्यान देना. इनकरेक्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट फॉलो तो इनकरेक्ट वन इज सेकंड. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सट्रूजन ऑफ द सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग न्यूक्लियस. फीमेल मेस्ट्रुअल साइकिल में जो एग रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज होता है. सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज हुआ ये फेलोपियन ट्यूब. इसमें जो एग आया ये सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में. सेम टाइम पर यदि इसी फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पर यदि स्पर्म भी पहुंच जाए तो ये स्पर्म इस एग के अंदर पेनेट्रेशन करना शुरू कर दे. तो स्पर्म जब इसमें एंटर करेगा तो इसके अंदर जो अरेस्ट लगा सेकेंडरी ओसाइट पर अरेस्ट लगा होता है जिसे बोलते हैं मेटाफेजिक सेकेंड अरेस्ट. तो मेटाफेजिक सेकेंड जो अरेस्ट है उस मेटाफेजिक को ब्रेक डाउन कर देता है और एनाफेजिंग प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट करवा देता है. जब तक ये स्पर्म इसमें एंटर नहीं करेगा तब तक ये सेकेंड डिवीजन कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर जो अरेस्ट लगा हुआ है मियोसिस सेकेंड लगा हुआ. अब जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होगा. तो सेकेंड पोलर बॉडी निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पर्म की एंट्री करानी पड़ेगी. तो बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं, एंट्री से पहले नहीं होगा. साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज नहीं, फर्स्ट क्लीवेज इसका मतलब वहां पर तो जाइगोट बन चुका है उसके बाद में स्टेज जा चुकी है. आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म ये इसके अंदर एंटर करेगा एंड बिफोर द फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट नहीं हुई है उसके बाद तो दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाएगा तब कंप्लीट होगी. इट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज द आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन इवेंट. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ हार्मोन. हमें ये बताना है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कौन सा, सभी अलग अलग मेथड्स दे रखे हैं उनमें से हार्मोन का रोल किस किस में. फॉर एग्जांपल ये कट नहीं है, ये कॉपर टी है, ये पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉपर टी के अंदर आयन का रोल है इसका मतलब इसके अंदर हार्मोन का रोल नहीं है. गलत हो गया पहला ऑप्शन. दूसरा कह रहा है बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में मेल कोंडोम फीमेल कोंडोम वॉल्ट्स वगैरह ये सब आते हैं तो उसके अंदर किसी प्रकार का हार्मोन नहीं है, ये भी गलत हो गया. लैक्टेशन एमिनोरिया मीन्स प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे का जन्म होगा तो हाई लैक्टेशन की वजह से मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो रहा है, हार्मोन का रोल है. पिल्स डिफरेंट टाइप के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशन इसमें यूज किए जा रहे हैं इसका मतलब हार्मोन का रोल है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इसके अंदर भी हार्मोन का रोल है. मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड.
बैरियर मेथड पहले ही बता चुका हूँ इसमें, मीन्स करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर पूछा गया है, व्हाट इज द मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जेनेटिक मैप। अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अल्फ्रेड स्टूटीवेंट नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले ये सेंटीमॉर्गन और मैप यूनिट, दो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के केस में लिया जाता है दोनों नाम, जब भी क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेरेंटल। मीन्स क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल क्रॉसिंग ओवर 1% हुआ तो रिकॉम्बिनेशन 1% मानेंगे, डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट मानेंगे। यदि ये 10% है तो हम ये 10 मानेंगे और ये भी 10 मानेंगे, इट मीन्स 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 रिकॉम्बिनेशन, 1% इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, मीन्स 1 यूनिट किसके बराबर है? तो ये कह रहा है 1 यूनिट, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन और ए क्रोमोजोम रिप्रेजेंटिंग 1। बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही सही है। 1 यूनिट के 50 के बराबर, गलत है। 1 यूनिट के 10 के बराबर, गलत है। 1 यूनिट के 100 क्रॉसिंग ओवर, जो पॉसिबल ही नहीं है, 50% क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल ही नहीं है 100%, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर ये जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा है, इन मेल ग्रास ओपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नॉन सेक्स क्रोमोजोम। ग्रास ओपर में देखा जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एक्स और एक्स जीरो मेथड से, दिस इज ए फीमेल मेल। यदि ये स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, ये फीमेल है ये मेल है, स्पर्म फॉर्मेशन करेगा तो आधों के पास एक्स होगा और आधे के पास कुछ नहीं होगा, इसलिए 50% के पास स्पर्म नॉन सेक्स क्रोमोजोम, मीन्स रिजल्टेंट 50%। हैंकिंग ने बताया था ये सबसे पहले कि 50% के पास कुछ नहीं हो, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल फ्रूट फ्लाई इज हेटरोगेमेट। मेल फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर को बोल रहे हैं, उसके अंदर एक्स एक्स और एक्स वाई मेथड है, मेल दिस इज फीमेल दिस इज मेल, ये दोनों क्रोमोजोम सेम है इसको बोलते हैं होमोगैमेटिक कंडीशन, ये दोनों क्रोमोजोम अलग अलग हैं इसको बोलते हैं हेटरोगेमेटिक कंडीशन। तो यहाँ पर मेल का केस है हेटरोगेमेटिक, मीन दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ह्यूमन मेल हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम मच शॉर्टर देन द अदर वन। ह्यूमन बींग के केस में दो क्रोमोजोम, वन इज एक्स वन अनदर वन इज वाई, एक्स क्रोमोजोम इज मच लार्जर देन वाई क्रोमोजोम, मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही। फर्स्ट ऑप्शन इज डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स ऑफ द प्रोजेनी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रेदर देन द एग। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। क्यों ऐसा है? ह्यूमन बींग में देखा जाए तो एक्स एक्स और एक्स वाई मेथड, ये ह्यूमन बींग की जो फीमेल है ये एक ही टाइप के गैमेट बनाएगी, लेकिन एक्स वाई ये मेल दो तरीके के गैमेट बनाएगी, तो मेल प्रोडक्शन में केवल इसका रोल है, आइदर एक्स प्रोडक्शन का भी और वाई प्रोडक्शन का। यदि ये वाई प्रोड्यूस होता है, ये एक्स प्रोड्यूस होता है, इस एक्स से मिलेगा तो लड़की बनेगी और ये वाई प्रोड्यूस होता है तो लड़का बनेगा, लेकिन डोमेस्टिकेटेड फाउल मींस बर्ड का सेक्स डिटरमिनेशन इससे डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं जेड 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 डब्ल्यू मेथड। यहां पर जेड जेड जो है होमोगैमेटिक मेल है और ये, तो यहां पर जो डिटरमिनेशन करता है वह फीमेल डिटरमिनेशन करेगी, जो हेटरोगैमेटिक होगी वो डिटरमिनेशन करेगी। इट मींस सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट था, ये भी करेक्ट, और ये क्या, टाइप ऑफ स्पर्म, स्पर्म पे नहीं डिपेंड करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, फीमेल पर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इवोल्यूशन से है। इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बोर्न रेंज फ्रॉम द 2 to 5 kg, 97% ऑफ न्यू बोर्न विद एन एवरेज वेट ऑफ 3 to 3.3 kg सर्वाइव वेदर, वेर एज 99% ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई, विच टाइप ऑफ सेलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। नेचुरल सेलेक्शन के 3 डिफरेंट टाइप्स हैं, वन इज डिसरप्टिव सेलेक्शन, अनदर वन इज डायरेक्शनल सेलेक्शन, थर्ड नेक्स्ट वन इज स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन का मतलब है, क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है 1 से 2 से लेकर 5 kg तक, ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ये 4 kg, ये 5 kg। अब ये कह रहा है 3 टू 3.5 kg सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेंज सर्वाइव कर रही,
और ये वाले खत्म हो गए, इसका मतलब ये एक्सट्रीमिटीज खत्म हो गई, और ये वाले भी खत्म हो गए, ये एक्सट्रीमिटीज खत्म, और जिसमें मिडल पोर्शन यदि सर्वाइव करता है और दोनों टर्मिनल एंड सर्वाइव नहीं कर रहे, दिस इज ए टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और यदि डिस्ट्रप्टिव होता तो बीच वाले सर्वाइव नहीं करते, डिस्ट्रप्टिव होता तो इसी की डबल पीक आ जाती। यदि डायरेक्शनल होता तो एक साइड के सर्वाइव करते, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते, लेकिन ये कह रहा है दोनों टर्मिनल एंड के, कम वजन वाले भी ज्यादा वजन वाले भी दोनों खत्म हो गए, दिस इज ए टाइप ऑफ स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संतोष पांडे, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी, CLC सीकर। आज मैं आप लोगों के सामने बायोलॉजी 11th की बुक से आए हुए जूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये पेपर कोड है S6। इसमें बायो का जो जूलॉजी के पार्ट से क्वेश्चन है वो स्टार्ट है यहाँ 47 नंबर से। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद द रिस्पेक्टिव डिजीजेज। फर्स्ट यहाँ पर आप देखें इंसुलिन है, इंसुलिन को कोरिलेट किया जाता है डायबिटीज मेलिटस से। थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कोरिलेट किया जाता है गोइटर से, इसकी डेफिशिएंसी से गोइटर डिजीज होता है जिसमें कि थायरॉयड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाएगा। कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं तो कॉर्टिकॉइड्स में एडिसन्स डिजीज से कोरिलेट किया जाता है, इसकी कमी से होती है। और ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं तो एक्रोमेगैली। यहाँ पर हम लोग अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा तरीका है मैचिंग करवाने के बजाय डायरेक्ट हम ये नंबर इनके सामने लिख लें। जैसे इंसुलिन के सामने हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आप देखें 5th नंबर। थायरोक्सिन के सामने लिख लेते हैं यहाँ पर 4th नंबर, और कॉर्टिकॉइड के सामने लिख लेते हैं 1st नंबर, और ग्रोथ हार्मोन के सामने यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्रोमिगैली के लिए 3rd नंबर। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर होगा, जो सही मैच होगा 5, 4, 1, 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, तो ये होगा 5, 4, 1, 3 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, आगे के ऑप्शन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1st। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस मे रिजल्ट इन। देखिए बात उस पेशेंट की गई है जिसका किडनी फेल हो चुका है, और अगर उसका किडनी फेल हो गया है तो वो बार बार वो किडनी काम नहीं कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि अपने लिए आर्टिफिशियल किडनी से काम चला रहा है। तो जब आर्टिफिशियल किडनी से काम चलाया जाएगा तो यहाँ पर कुछ चीज़ें उसके नाइट्रोजिनस वेस्ट का तो रिमूवल हो जाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं नहीं हो पाएंगी। आइए देखते हैं कैसे। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बिल्डअप इन बॉडी, जी नहीं, वो तो वैसे ही बिल्डअप होते हैं, वो रिमूव होते रहेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर जी हाँ, नेक्स्ट आप देखेंगे नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन, जी नहीं, ये पोटेशियम आयन जो भी बॉडी में एक्सेस होगा, इवन कोई भी मटेरियल बॉडी में एक्सेस होगा तो उसका रिमूवल होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जी हाँ ये ऑप्शन आएगा, ये सही है। क्यों सही है, ये थोड़ा सा जब आप PTH का फंक्शन देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि PTH किडनी में जाकर के विटामिन डी का एक्टिवेशन करवाता है, और किडनी में ही विटामिन डी का एक्टिवेशन पॉसिबल है। तो किडनी अगर फेल कर चुकी है तो विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, और विटामिन डी की कमी है तो फिर यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इनहिबिट कर जाता है, तो ये सही है। दूसरी चीज आप देखेंगे यहाँ रिड्यूस्ड RBC प्रोडक्शन, जी हाँ, किडनी अगर उस पेशेंट का काम नहीं कर रहा है, एक्चुअल किडनी काम नहीं कर रही है, तो यहाँ पर उसमें एरिथ्रोपोएटिन नाम का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, और एरिथ्रोपोएटिन की कमी रहेगी अगर उसमें, तो यहाँ आप देखें उसमें RBC का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि यह हार्मोन RBC के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर आप देखें कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं हमने सी और डी को करेक्ट किया है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी एंड डी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यहाँ पर आप देखेंगे मैच द कॉलम 1 विद
कॉलम टू। अब कॉलम वन और कॉलम टू के क्वेश्चन में फिर मैंने वही पहले वाली बात को रिपीट करूंगा मैं कि डायरेक्ट इन नंबर को लिखेंगे तो टाइम बचेगा। कैसे? पी वेव, आप जानते हैं कि पी वेव इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, तो वो यहां पर है फोर्थ पर, तो यहां भी हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं, फोर्थ हो जाएगा। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जनरली एनसीईआरटी में एक चीज की बात की गई है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन की, लेकिन एट्रिया के रीपोलराइजेशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर हम देख लेंगे क्या दिया हुआ है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जी हाँ, फर्स्ट नंबर पर ये दिया है, ये देखेंगे। टी वेव की बात करते हैं तो यहां पर आप देखें टी वेव इंडिकेट करता है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल के समाप्त हो जाने को, तो यहां पर आप देखेंगे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कहां है, जी हाँ सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। और रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव, जी हाँ टी वेव का साइज ईसीजी में तब रिड्यूस कर जाता है जब हार्ट की मसल्स को इनसफिशियंट ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होती है, तो ऑक्सीजन की इनसफिशियंट सप्लाई को इस्कीमिया बोलते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कोरोनरी इस्कीमिया, ये यहां पर आपको मिल रहा है, ये थर्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमारा सही ऑप्शन क्या है, 4, 1, 2, 3। अब देखेंगे यहां कहां है वो, तो यहां पर है 4, 1, 2, 3, जी हाँ थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज, जी हाँ माफ कीजिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, जी हाँ कौन सा इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, जी बिल्कुल, तो इसके लिए यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर ग्लूट 3, ग्लूट 4, ग्लूट 1, ग्लूट 2, जी हाँ ग्लूट 4 इसके लिए सही आंसर है। इसके बारे में मैं एनसीईआरटी में नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यहां पर कि ग्लूट 4 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 प्रोटीन है और ये ग्लूकोज के फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को स्टिमुलेट करते हुए सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है तब जबकि इंसुलिन प्रेजेंट होता है, जी हाँ इंसुलिन की प्रेजेंस में ये क्या करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है और ये वैसे तो कई बॉडी सेल्स में पाया जाता है बट प्रिंसिपली ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडिपोज टिश्यू सेल्स और स्ट्रिएटेड मसल्स। अब स्ट्रिएटेड मसल्स में दो आती हैं कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, तो दोनों में की ही मेम्ब्रेन में ये पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ ग्लूट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, identify the cells whose secretion protect the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. जी हाँ दो चीज़ें हैं जो कि different enzymes के इफेक्ट से हमारी gastrointestinal tract को protect करती हैं। पहला तो है mucus और दूसरा है bicarbonate ions. Bicarbonate ion HCl की acidity से बचाता है और mucus बचाती है different enzymes से, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब म्यूकस किसका प्रोडक्ट है, ऑक्सेंटिक सेल्स का प्रोडक्ट तो HCl है, यहाँ पर देखेंगे डियोडिनल सेल तो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स खुद प्रोड्यूस करती हैं, चीफ सेल ये भी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंटेस्टाइनल सेल हैं, गॉबलेट सेल जी हाँ बिल्कुल ये म्यूकस सेल हैं और म्यूकस सेल से म्यूकस रिलीज होगा जो कि डिफरेंट एंजाइम्स के इफेक्ट से हमारी इस ट्रैक्ट की एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये गॉबलेट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट विच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड, जी हाँ पहली बात तो ये वैस्कुलराइज्ड नहीं होती इसलिए ये गलत हो जाएगा। आप देखें कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन एंड इज द मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई, देखिए ये कुछ हद तक सही है लेकिन जैसे ही यहां पर मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ आई कह देता है तो ये चीज ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। उसका एक रीजन है, रीजन ये है कि बच्चा आई को रिसेप्टर के रूप में या सेंस ऑर्गन के रूप में कंसीडर करता है तो सिर्फ और सिर्फ
आई की लाइट सेंसिटिविटी की बेसिस पर। और लाइट सेंसिटिविटी को अगर हम कंसीडर करें तो लाइट सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है रेटिना के फोविया सेंट्रलिस में, जो कि मैक्यूला ल्यूटिया के भीतर बीच में पाया जाने वाला एक डिप्रेस्ड पार्ट है, तो वो रेटिना से कोरिलेट करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कॉर्निया इज एंड एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेसियस कवरिंग ऑफ आईबॉल। हालांकि आईबॉल का प्रोटी फुल कवरिंग तो ये नहीं है, 1/6 पार्ट को ही ये कवर कर पाता है, लेकिन फिर भी 11th एनसीईआरटी की बेसिस पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो जाएगा आपका थर्ड। और आगे देखेंगे कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ, ये सही नहीं है, इलास्टिन प्रोटीन की प्रेजेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट के साथ भी हम नहीं जा सकते। दो ऑप्शन काफी इसमें क्लोज हैं, एक तो सेकेंड ऑप्शन और दूसरा थर्ड ऑप्शन, लेकिन अगर हम बात करें कि 11th एनसीईआरटी का जो कंटेंट है उसकी बेसिस पर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारा ये थर्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ह्यूमंस। जी हाँ, ह्यूमन के लिए एनिमल टिश्यू का एक सिंपल सा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन से डायरेक्ट आंसर भी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हो जाएगा ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। जी हाँ, ब्रोंकियोल्स हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज के स्ट्रक्चर हैं जिनके सिलिया मूव करके डस्ट पार्टिकल्स को अपर रीजन की ओर मूव करवाते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में भी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम पाई जाती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, वॉट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज 1200 ml। देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बच्चे को उलझा देने वाला क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो गिवन डेटा है कि यहाँ पर देखेंगे टीवी टाइडल वॉल्यूम को दिया हुआ है 500 ml, और इसके बाद में आप देखेंगे दूसरा जो डेटा दिया हुआ है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ईआरवी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1000 ml, और आगे दिया हुआ है कि व्हाट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ईसी को पूछ लिया है। जी हाँ, ईसी को यहां पर पूछ लिया है कि ईसी कितना होगा, जबकि उसका रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है। ये फंसाने वाली बात है, इस डेटा को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस डेटा से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सा आता है, ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी, ईसी इज इक्वल टू टीवी प्लस ईआरवी, तो टीवी प्लस ईआरवी जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, और यह हमारा करेक्ट आंसर होगा 1500 ml। तो बच्चा अगर इसके चक्कर में पड़ेगा तो फिर वो उलझ जाएगा, उसका टाइम खराब होगा यहाँ पर, और सही आंसर जबकि हमारा यहाँ पर बड़े आराम से ये आ जाएगा 1500 ml, जो कि उन दोनों डेटा को जोड़ देने से ही निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। जी हाँ, बिल्कुल, देखते हैं कौन सा सही होगा, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड। जी हाँ, आप ध्यान दें, गिजर्ड पहले दे दिया और इलेम और क्रॉप बाद में दे रहा है, तो ये सही नहीं है। फेरिंग्स, इसोफेगस, इलेम, क्रॉप, देखिए इलेम पहले दे दिया, क्रॉप बाद में दे रहा है, तो ये गलत सीक्वेंस हो गया, ये भी नहीं होगा। फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड, इलेम, कोलन एंड रेक्टम। जी हाँ, बिल्कुल, ये सही आंसर है, और अगर हमें सही आंसर मिल रहा है फिर भी हमें लास्ट ऑप्शन तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी नीट में ऐसा न करने से नुकसान हो जाता है और अधिक अप्रोप्रिएट आंसर बाद में दिया होता है, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजर्ड, क्रॉप, इलेम, कोलन, रेक्टम, यहां पर आप देख सकते हैं आराम से,
गिजर्ड पहले दे दिया, क्रॉप बाद में दे रहा है, तो ये सही नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर आपका होगा ये 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद में आगे आप देख पाएंगे, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये एनिमल किंगडम से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सिंपल से उनके एग्जांपल्स पूछा, उनके कैरेक्टर पूछा है। जैसे पायला है, तो पायला एक स्नेल है, एप्पल स्नेल कहते हैं कॉमनली इसको। तो इसमें आप देखेंगे रेस्पिंग ऑर्गन के रूप में इसकी माउथ कैविटी में रेडुला पाया जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3। जी हाँ, इसका सही तरीका है ये कि मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में आप उसका नंबर लिख लीजिए जो मिले। बॉम्बिक्स है, तो बॉम्बिक्स एक इंसेक्ट है, सिल्क इंसेक्ट है, और इंसेक्ट के लिए उसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दी हुई है मैलपेजियन ट्यूब्यूल्स, तो 4th हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया की बात करेंगे तो यह एक टीनोफोरन एनिमल है, और टीनोफोरन एनिमल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मोस्ट कॉमन फीचर है, वो है सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स का पाया जाना। तो सिलिएटेड कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2nd, और इसके बाद में टीनिया टेपवर्म है, और टेपवर्म की बात करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फ्लेम सेल, जो इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो यहां पर ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम कहें बेहतर होगा। तो ये हो जाएगा 1st। अब सही ऑप्शन हमें इस तरह से खोजना होगा 3, 4, 2, 1। देखेंगे यहां 3 से नहीं स्टार्ट है, छोड़ देंगे। 3, 4 आना चाहिए, छोड़ देंगे इसको। 3, 4 आना चाहिए, छोड़ देंगे इसको भी। 3, 4, 2, 1, इस तरह से आप देख पाएंगे 4th नंबर पर आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर हो जाएगा आपका 4। जी हाँ, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने की बात है, आइए देखते हैं। ईच रिब इज ए फ्लैट थिन बोन एंड ऑल द रिब्स आर कनेक्टेड डॉर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्री एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। देखिए, इधर तो सही आ रहा है स्टेटमेंट, लेकिन यहां पर आकर के ये गलत हो रहा है। डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्री से करेक्ट है, कनेक्टेड है, सही है, बट जैसे ही वेंट्रल की ओर आएंगी तो वेंट्रल की ओर स्टर्नम से कनेक्टेड होती हैं 1st से 7 पेयर ऑफ वर्टिब्री। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये गलत हो जाएगा। ये हर वर्टिब्री के लिए, सॉरी हर रिब के लिए ये सही नहीं है। आगे देखें, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रो स्टर्नल, सही है। 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, ये भी सही है, एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। जी हाँ, ये 7 पेयर वर्टिब्रो स्टर्नल है, वर्टिब्री से और स्टर्नम दोनों से कनेक्टेड है। 3 पेयर यहां पर देखेंगे वर्टिब्रो कॉन्ड्रल है, वर्टिब्रल से, वर्टिब्रा से, और कार्टिलेजनस पार्ट ऑफ अपर रिब से कनेक्टेड होती हैं, और ये 2 ऐसी होती हैं 2 पेयर जो कि सिर्फ वर्टिब्रा से कनेक्टेड हैं। तो सही आंसर ये भी हमें लग रहा है, आगे फिर भी हम देखेंगे। 8th, 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद स्टर्नम, तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कनेक्ट करती हैं ये। 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हायलिन कार्टिलेज, ये यहाँ स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो यहां पर हम देखेंगे सही आंसर हमारा हो जाएगा 2, बाकी के जो ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अब, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन। जी हाँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 11th के एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है। यहां पर आप देखेंगे सिक्रीशन, ध्यान दें, सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोप्रोटीन बाय जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स, जी नहीं, एरिथ्रोप्रोटीन आरबीसी सिंथेसिस से रिलेटेड हार्मोन है, इसलिए ये नहीं होगा। यहां पर आप ध्यान दें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जी हाँ, ये प्रेशर केवल और केवल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूरिन के कंसंट्रेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। आगे आप देखेंगे लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, देखिए एडीएच, एडीएच हार्मोन अगर कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि यूरिन में वाटर का रिलीज किया जाना बढ़ जाएगा, और यूरिन में अगर वाटर अधिक रिलीज किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा यूरिन डाइल्यूट होगा न कि कंसंट्रेट होगा। तो नेक्स्ट आप देखेंगे मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलरिटी टुवर्ड्स इनर मेड्यूलरी इंटरस्टीशियम इन द किडनी,
एक्चुअल में ये जो फोर्थ ऑप्शन लिखा है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से रिलेटेड है और उसी मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा किया जाता है। मेडुला के इनर रीजन में ऑस्मोलरिटी इतनी बढ़ा दी जाती है कि वह रीजन तेजी से हेनले लूप से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है और वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा तो निश्चित सी बात है कि यूरिन में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा और यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो सही आंसर आप देख सकते हैं बड़े आराम से, ये फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। जी हाँ, बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे बच्चे जो थोड़ा सा कैलकुलेट कर पाएंगे वो बड़े आराम से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कार्डियक साइकिल से रिलेटेड कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए कि ये कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये पहली बात तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन, उस पर्सन का हार्ट रेट पूछ रहा है जिसका कार्डियक आउटपुट 5 ml है। देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहां से जो सिस्टेमिक एओर्टा निकल रहा है, आप देखिए ये सिस्टेमिक एओर्टा यहां से निकल रहा है। तो ये सिस्टेमिक एओर्टा क्या करेगा, जितना पंप इस सिस्टेमिक एओर्टा में जितना ब्लड एक मिनट में पंप किया जाएगा वही होता है कार्डियक आउटपुट। तो इसका अमाउंट दिया हुआ है कि यहां से पंप किया जा रहा है कितना, 5 लीटर ब्लड। जी हाँ, 5 लीटर या हम कह सकते हैं या 5000 ml ब्लड इतना पंप किया जा रहा है एक मिनट में। अब ये कह रहा है कि वेंट्रिकल का डायस्टोलिक फॉर्म जब अपने अंतिम स्टेज में होता है तो यहां पर होता है 100 ml ब्लड, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक फॉर्म का जब एंड होता है तो होता है 50 ml। जी हाँ, 100 ml डायलेशन के समय और सिस्टोल के बाद 50 ml, मींस एक बार में वेंट्रिकल ने पंप किया कितना, 50 ml ब्लड को पंप किया। तो अगर एक सिस्टोल में 50 ml पंप हो रहा है तो 5000 ml पंप करने के लिए कितने सिस्टोल चाहिए, यही एक्चुअल में यहां पर क्वेश्चन है। तो इसको हम निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा कि 5000 ml एक सिस्टोल में 50 ml, तो 5000 ml के लिए कितने सिस्टोल वहां पर होने चाहिए, तो ये होगा डिवाइडेड बाय 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये, और इसके बाद में आप देखेंगे 5, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100। जी हाँ, 100 टाइम्स अगर ये सिस्टोलिक फॉर्म और डायस्टोलिक फॉर्म मीन्स 100 टाइम्स अगर हार्ट बीट करेगा तो समझ लीजिए कि 50 टाइम्स पर बीट के रेट से पंप करते हुए एक मिनट में 5000 ml पंप करेगा। तो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ये 100 बीट्स पर मिनट। तो फर्स्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको आप देखें। नेक्स्ट आंसर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या लोकेशन है इन ऑर्गन्स की। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुहन की बात करेंगे तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली ग्लैंड्स हैं। तो इसमें आप देखेंगे बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। और ग्लिसन्स कैप्सूल की बात करेंगे तो ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, ये समझ लीजिए कि लिवर का जो यूनिट होती है हेपेटिक लोब्यूल उसके चारों ओर पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू का शीथ है। तो ये कोरिलेट करेंगे लिवर से, फोर्थ नंबर आ जाएगा। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करेंगे तो ये पैंक्रियाज में पाए जाने वाले एंडोक्राइन सेल्स का ग्रुप है, तो इसके लिए 1 आ जाएगा। वहां आप देख सकते हैं यहां से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के लिए 1 आ जाएगा। और ब्रूनर्स ग्लैंड की बात करते हैं तो ब्रूनर्स ग्लैंड
केवल और केवल ड्यूओडेनल रीजन में पाई जाती हैं, तो इसके लिए हम लोग कर लेंगे टू। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3 4 1 2। हम देखेंगे 3 4 1 2। देखिए अब इस तरह के ऑप्शन अगर पहले ही ऑप्शन में मिल जाए, पहले ही नंबर पर मिल जाए, तो फिर हमें और नीचे की ओर और देखने की जरूरत नहीं होगी। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, कंसीडर अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। जी हाँ बिल्कुल, कंसीडर करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। तो जब कंसीडर करने की बात आए तो हम लोग एक बार आगे बढ़ करके देख लेना चाहिए कि क्या है इसमें क्वेश्चन। तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर एनिमल ग्रुप विच पजेस ऑल द एबव कैरेक्टर्स। देखेंगे क्या कैरेक्टर की बात की जा रही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। जी हाँ, ये तीन कैरेक्टर देखेंगे किस ऑप्शन के एनिमल्स पर या किस एनिमल ग्रुप पर अप्लीकेबल है। तो आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। जैसे ही मोलस्का आया तो हमें ये सेगमेंटेशन वाली बात यहां पर नहीं मिलेगी, अनसेगमेंटेड होता है, तो ये आंसर आपका कट गया। यहां पर देखेंगे एनेलिडा, मोलस्का, फिर देखिए मोलस्का आया, सेगमेंटेशन फिर यहां पर कट जाएगा, तो फिर ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे ये सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। एनेलिडा में और इनमें ये तीनों ही कैरेक्टर बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, तो ये सही आंसर हो जाएगा 3। और यहां पर देखेंगे फिर मोलस्का आ गया, तो मोलस्का आ जाने पर फिर क्या है, यहां पर सेगमेंटेशन नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, एक ही चीज अगर आपने पकड़ लिया तो बड़े आराम से सही आंसर तक आसानी से आप पहुंच जाएंगे, तो 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। अब देखिए इनहेरिटेंस किसका होता है, इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो इनहेरिटेंस किसका होगा, उसका जो जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं अपन, तो यहां पर आप देखेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड है ये। टिटैनी, ये टिटैनस कॉजिंग बैक्टीरिया के पॉइजन से भी हो सकता है। और यहां पर आप देखेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से, बॉडी में जब कैल्शियम लेवल बहुत डाउन हो जाता है तब भी पैराथायरॉयड टिटैनी हो सकती है। अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो बिल्कुल ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और यहां पर आप देखेंगे इस जेनेटिक डिसऑर्डर का रीजन क्या होता है, इसका रीजन है कि मसल सेल में पाई जाने वाली डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन को इनकोड करने वाला जो जीन है उसका डिफेक्टिव होना, उसके डिफेक्टिव होने के कारण ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, जिसमें कि मसल्स कंटिन्यूसली वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे पैरालिसिस की ओर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। अब बात करेंगे कोई भी स्टेरॉयड हार्मोन कैसे काम करता है। यह लिपिड सॉल्युबल होने के कारण ईजिली अपने टारगेट सेल में बायलेयर मेम्ब्रेन को, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एंटर कर जाएगा, वहां अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना करके डीएनए पर बाइंड करता है और डीएनए के जीन एक्सप्रेशन को प्रभावित करता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा कोई ऑप्शन, तो आप देखेंगे आराम से 4th नंबर पर बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, एक लाइन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये कई सारे रोल लेता है जिनमें से कि एक है बॉडी का थर्मोरेगुलेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जेन एंड पॉल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग वीजिंग ड्यू टू। वीजिंग की बात करेंगे तो वीजिंग का अर्थ होता है कि आवाज में एक विशेष प्रकार की घरघराहट उत्पन्न होना। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रोलिफेरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज। देखिए जैसे ही इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते समय ही हमें आइडिया लग जाता है कि ये सीधे सीधे एलर्जी से रिलेटेड बात की जा रही है और वह अस्थमा के लिए की जा रही है।
तो अस्थमा के लिए हम बात करेंगे, तो यहां पर देखेंगे क्या होता है अस्थमा में, प्रोलिफेरेशन ये नहीं होगा, रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट ये नहीं होगा, बी बेनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी ये भी नहीं होगा, इनफ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, जी हाँ बिल्कुल, इन एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट के इफेक्ट से यहां इन्फ्लेमेशन होगा, जिससे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे कि ब्रीथ करते समय एक घरघराहट की आवाज उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं वीजिंग, और साथ ही इसमें आप देखेंगे पर्सन को सांस लेने में काफी डिफिकल्टी होती है। तो सही आंसर आपके लिए यहां पर हो जाएगा फोर्थ।